गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, है ना। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 सेशन जो है आपका 22-26, सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम होना था टेंटेटिव डेट 20 अगस्त था, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता है नहीं कि कब एग्ज़ाम होगा और कब नहीं होगा, लेकिन इतना तो फिक्स है कि एग्ज़ाम होगा, चाहे डेट 2-4 दिन आगे चला जाए या फिर पीछे चला आए, एग्ज़ाम तो होना फिक्स है। अब यहाँ पे क्या है कि मेजर पेपर जनरली देखा जाए तो हम लोग मैथ्स का क्लासेस करवाते हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स का मेजर पेपर तो सब पढ़ते हैं, हमारे पास जो क्लासेस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और भी धीरे धीरे हमारे पास लगभग सारे मेजर पेपर का क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। तो मेजर पेपर का क्लास के साथ साथ क्या होता है ना कि जो बीएससी होता है, एएससी पेपर होता है ना, एमडीसी पेपर होता है, कहीं ना कहीं बच्चों को इसके लिए काफ़ी चिंतित होना पड़ता है कि सर मेजर, जिसका भी मेजर पेपर हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, है ना, सब अपना मेजर पेपर बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके साथ में जो आपका बीएससी पेपर होता है, एमडीसी पेपर होता है, सेक पेपर होता है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम तो आपको देना है। अब क्या होता है, एग्ज़ाम के समय में चिंतित होते हैं, और चिंता होने का कारण क्या है कि वो कुछ पढ़े नहीं हैं, फिर जाते हैं मार्केट में, मार्केट में जा करके क्या करते हैं, बुक खरीदते हैं। अब बुक जो है वो सही तरीके से असेंबल नहीं करता है, समझ में आ रहा ना, बुक अपने हिसाब से करता है। देखिए, हम लोग का काम क्या, हम लोग का मेन फोकस यूनिवर्सिटी को लेकर के ही रहता है, तो हम लोग कॉलेज के टच में रहते हैं, हम लोग जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं उनके टच में रहते हैं, है ना, और क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो 22-26 वाले स्टूडेंट हैं, है ना, ये जो स्पेशल हम 22-26 वालों के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए पूरा का पूरा नया है। आप लोग को पता ही नहीं कि हमारा अगला सेमेस्टर में हमको क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर को पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाँ, उसके बाद जो हम मेन बात बताना चाह रहे थे कि आप लोग जाते हैं मार्केट, मार्केट से क्या करते हैं, गैस पेपर परचेज करते हैं। गैस पेपर को परचेज करने के बाद आप श्योर होते नहीं हैं कि हमारा यहीं से होगा या नहीं होगा, या फिर गैस पेपर परचेज कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा टीचर है नहीं जो आपको मतलब समझा सके, सिर्फ आपको देखना है, 2-4 पेज पलटते हैं, उसके बाद पलटने का मन नहीं करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी हम लोग सीधा बात करेंगे, आपको कोई कहीं जाना नहीं है, कहीं आपको गैस पेपर खरीदना नहीं है, जो भी है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हर एक पेपर का, है ना, हर एक पेपर का, बीएससी हो या फिर एमडीसी हो, एईसीसी हो, हर एक पेपर का थ्रोली करवाया जाएगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, एग्ज़ाम तो होना है, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एग्ज़ाम के समय में आप बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए, आज के लिए जो हम लोग बात करते हैं वो हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, है ना, क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो बीएससी पेपर है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या दिखेगा, है ना, क्या दिखेगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए, यहाँ पे जो आपके पास आता है स्टूडेंट्स, क्या है कि पहला क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा और हम इसमें बता देना चाहते हैं, ये आपका MCQ होगा, क्या होगा, MCQ होगा, कितने मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का होता है, MCQ रहता है, समझ में आ रहा ना, क्या है, MCQ रहता है। अब हम ये नहीं बता रहे हैं कि मैं जो MCQ बता रहा हूँ, लगभग 90% यहीं से आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा ना। तो यदि आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि
कि हम 50 आउट ऑफ 50 नहीं बोल रहे, लेकिन 35 प्लस आप यहाँ से खुद से ला सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ये है कि इन अ फूड चेन हर्बीवोरस आर, फूड चेन में क्या बोल, हम दोनों बायलैंग्वेज दिए हैं, समझ में आ रहा ना। इन अ फूड चेन हर्बीवोरस आर, हर्बीवोरस क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। देखिए इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे तो आप लोग गड़बड़, प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, या डिकम्पोजर होते हैं, समझ में आ रहा ना। तो इसको जब हम लोग आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा सा समझिए प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, देन आफ्टर हम कोशिश करेंगे कि आपको हम बता पाएँ, है ना। इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे देखें तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधा को खाता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। और हर्बीवोरस क्या होता है, तो हर्बीवोरस क्या होता है कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हर्बीवोरस बोला जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या आ जाता है, जैसे हम एक दो क्वेश्चन को डिटेल में समझा देते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ, जो पेड़ पौधे, प्रोड्यूसर पेड़ पौधे जो अन्न उपजाने का काम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो पेड़ पौधा को खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है जो पेड़ पौधा या फिर पेड़ पौधा को खाने वाले को ही खा जाता है, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी। डिकम्पोजर तो होगा नहीं हर्बीवोरस में, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। देखिए हमारे पास यहाँ पे आपका ऑप्शन में हम लोग दिए हुए भी हैं, आंसर्स में आपको एकदम नीचे लिखा हुआ है। शायद ये हमारा कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम लोग देख लेंगे, गौरव देख लेते हैं कि ये हमारा कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिख रहा है। तो हम आपको इसका आंसर्स बता देते हैं कि क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। क्या क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है क्या है कि बायो, देखिए बायोमास इज एन इकोसिस्टम रेफर्स टू, समझ में आ रहा ना क्या बोला है, बायोमास इज एन इकोसिस्टम रेफर्स टू क्या होता है। यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का तात्पर्य क्या है। तो जो हिंदी फ्रेंडली स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे, और जो ये तो जो बायोमास इन अ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसमें से हमारे पास तीन चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ में आ रहा है, यही आंसर आपका भी होगा, है ना, टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टोटल मास बायो ऑफ नॉन लिविंग, ये तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड वेब, है ना, फूड वेब को दर्शाता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, डियर, डियर को कौन खाता है, टाइगर, ऐसा तो है नहीं, समझ में आ रहा ना। देखा जाए ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऑपर को कौन खा जाता है, फ्रॉग को कौन खा जाता है, स्नेक, तो आपका आंसर होगा बी, समझ में आ रहा ना, क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन, समझ में आ रहा ना, ये किस पे बेस्ड है। तो सबसे पहला क्या दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए ये दोनों तो नहीं होगा, सी और डी तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो फर्स्ट डायरेक्ट तो होता नहीं, तो हमारे फर्स्ट लॉ तो होता नहीं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इसका सारा पीडीएफ हम लोग दे दिए हैं, हर रोज़ आपका कम से कम कोशिश करते हैं कि 5 से 7 क्लासेस में लगभग आपका 50 मार्क्स का कवर करवा दिया जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है आपके पास, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफ अ हेल्दी इकोसिस्टम। तो हेल्दी सिस्टम का कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ध्यान रहे क्या पूछा है, नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। ये
जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना तो आपको पूरा पूरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर हड़बड़ी में आप गलती कर रहे हो। तो क्या होता है, हाई बायोडाइवर्सिटी होता है, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो ये भी होना चाहिए, समझ में आ रहा ना, ये भी होना चाहिए। अब आपके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूशन, हाँ देखिए ये नहीं होना चाहिए और यही आपके पास पूछा है, समझ में आ रहा ना। तो अभी हम जो इसको लिखें तो इसको बताने का जो तरीका है क्या है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम, तो मतलब पॉल्यूशन का नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा ना, पॉल्यूशन प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूशन, तो आपका आंसर जो होगा वो यही आपका आंसर होगा, समझ में आ रहा ना। ये तो होता है, ये सब तो हमारे पास ये तो होना चाहिए इकोसिस्टम के लिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, हिंदी में भी आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, तो सिंपल सा बात है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन है, ओजोन, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सर तो देखिए ओजोन इन्वायरमेंट में होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी इन्वायरमेंट में होता है, समझ में आ रहा ना, तो है कौन, आंसर होगा बी, कार्बन मोनोक्साइड। क्या क्लियर है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, विच गैस इज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन सा गैस प्राइमरी प्रभावित करता है, समझ में आ रहा ना, तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, नाइट्रोजन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपके पास क्या दिया है कि सॉइल पॉल्यूशन कैन लीड टू, देखिए हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉइल पॉल्यूशन के कारण क्या हो सकता है ना, सॉइल पॉल्यूशन के कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पे नीचे से हम पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है क्या, एसिड रेन हो सकता है क्या, समझ में आ रहा ना, डिफॉरेस्टाइजेशन हो सकता है क्या, या फिर क्या दिया है, डिस रेक्टिफिकेशन है ना, तो सॉइल पॉल्यूशन के कारण जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, डिस रेक्टिफिकेशन, क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कि डिस रेक्टिफिकेशन, जिसको हिंदी में समझना वो हिंदी में समझ सकते हैं, जलवायु परिवर्तन तो हो नहीं सकता, अम्लीय वर्षा हो नहीं सकता, वनों की कटाई हो नहीं सकती, तो होगा क्या, ओ सॉरी डिस रेक्टिफिकेशन हम बोल रहे हैं, माई फॉल्ट, डेजर्टिफिकेशन होगा है ना, हाँ मिस्टेक से निकल गया था, डेजर्ट मतलब डेजर्ट का फॉर्मेशन, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन अ कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को कौन कंट्रोल करेगा, समझ में आ रहा था, ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन, चलिए यहाँ पहला ही ऑप्शन में दे दिया है, क्या दिया है, प्लांटिंग ट्री, समझ में आ रहा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है, द मेल्टिंग ऑफ अ पोलर आइस कैप प्राइमरली ड्यू टू, जो पोलर आइस जो मेल्ट हो रहा है तो सीधा सीधा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे दिया है, हाँ दिया हुआ है, क्या होगा इसका आंसर, ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्या क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ओजोन डिप्लेक्शन, मतलब ओजोन लेयर का जो डिप्लेक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरो गैस ज़्यादा से कहाँ होता है, एसी और रेफ्रिजरेटर में, दिया हुआ होगा, हाँ सीएफसी इसी को बोला जाता है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मटेरियल्स के, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड, है ना, कौन सा मटेरियल को रिसाइकल किया जा सकता है, प्लास्टिक को किया जा सकता है, ग्लास को भी किया जा सकता है, पेपर को भी किया जा सकता है, और मतलब इसका मतलब है कि सबों को किया जा सकता है, ऑल ऑफ दीज होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं, तो आगे जो क्वेश्चंस हैं, रिसाइकलिंग कैन हेल्प इन अ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अ वेस्टेज सेंट टू, है ना, अब जो रिसाइकलिंग ये कौन किसको रिसाइकल किया जा सकता है, यहाँ पे दिया है पुनर्चक्रण, हिंदी में जिसको समझना, पुनर्चक्रण से भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करने में मदद मिल सकती है, किसके कारण, ओशियन, लैंडफिल, फॉरेस्ट, रिवर, इसका सीधा आंसर होगा आपके पास लैंडफिल। क्या क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो इसी तरीके से हम रेगुलर आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, डेली कम से कम 30-40-50 क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिड्यूसिंग रिसोर्सेस कंज्यूप्शंस, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास रिड्यूसिंग रिसोर्सेज कंज्यूप्शन, पहला है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइंग न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब हम लोग कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब है ही तो इसी का यूज़ करेंगे, समझ में आ रहा। अब अपना गाड़ी ये करेंगे तो क्या होगा, उसमें पेट्रोल भी तो डलाना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से है ये स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी रेफर्स, है ना, क्या है जैविक विविधता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, सिंपल सा बात है, द वैरायटी ऑफ अ स्पीसीज इन अ गिवन एरियाज, द जेनेटिक वेरिएशंस विद इन अ स्पीसीज, द वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये चारों होगा, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस होगा, क्या क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि विच रीजन इज नोन एज द, क्या दिया है, क्रैडल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, समझ में आ रहा ना। तो इसका जो सीधा आंसर होगा वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट होगा, क्लियर है। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है जिनको, देखिए हाँ हमको इतना पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास हिंदी ही है, तो ध्यान रहे जो हिंदी इंग्लिश में है हम उसको पढ़ करके यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। हिंदी में हम लोग इसीलिए बायलैंग्वेल किए हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द स्पीसीज रेफर्स टू, क्या हो जाएगा, तो सस्टेनेबल यूज ऑफ अ स्पीसीज, एक्सेसिव हंटिंग ऑफ फिशिंग, हाँ तो यही तो होगा आपका आंसर सेकंड नंबर। देखिए हिंदी में किसी को जानना है, प्रजातियों के अत्यधिक दोहन से तात्पर्य है, क्या है कि प्रजाति का सतत उपयोग नहीं, अत्यधिक शिकार ही करते हैं जिसके कारण उसका दोहन होते जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे है। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या दिया है, EXC2 कंजर्वेशंस, समझ में आ रहा ना। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ये तो सीधा आंसर है, सीड बैंक्स, समझ में आ रहा ना, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर देखते हैं, द रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज इज मेंटेन्ड बाय, है ना, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड, फिर इंटरनेशनल यूनियन, यही आपका आंसर होगा, इंटरनेशनल यूनियन वाला, ठीक है, क्लियर है। काफ़ी गर्मी है इसलिए थोड़ा बहुत परेशानी हम लोग को हो रहा है, अभी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और रात में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है हमारे इस इकोसिस्टम को, समझ में आ रहा ना क्या हो चुका है। देखिए आने वाले समय में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, अभी इसी साल हम लोग सुनने में आया था लगभग 50 पास कर गया था, तो इसी तरीके से यदि आप लोग पेड़ पौधा नहीं लगाइएगा तो 60 भी टेम्परेचर आने में देरी नहीं है, आप फिर कोई बचेगा नहीं। देखते और हम लोग के पास कितना क्वेश्चंस है, अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, इसको देखते हैं। लगभग इसी तरीके से हम आपको सारा क्वेश्चंस को क्या किए, कवर करवा दिए, ठीक है ना। तो फिलहाल देखा जाए तो हम आपको क्या करवाएंगे, ये लगभग जो 5-7 दिन का क्लासेस होगा आपका, हर क्लासेस में कम से कम हम 25-30 MCQ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जिसमें कोशिश रहेगा कि आपका 50 out of 50 आप करके आएँ, 50 नहीं तो कम से कम 45+ आपको करके ही आना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।